नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब पूरा देश सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में उलझा हुआ था, बीजेपी इसका बचाव करने में जुटी थी, उसी वक्त देश के राजनीतिक तौर पर सबसे बड़े सूबे से ऐसी खबर आई जिसने न सिर्फ बीजेपी बल्कि देश के लोगों को भी चौंका दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। अमूमन विधानसभा से खबरें ये आती हैं कि विपक्ष ने आसंदी को घेर लिया, सदन में वे धरने पर बैठ गए, लेकिन यूपी विधानसभा में सरकार के लिए तब हैरान करने वाली स्थिति पैदा हो गई जब उनके ही विधायक सरकार के खिलाफ सदन में धरने पर बैठ गए, और एक दो नहीं बल्कि बीजेपी के 100 से अधिक विधायक। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के विधायकों को अपनी ही योगी सरकार के खिलाफ बगावत करके धरने पर बैठना पड़ा? जैसे ही ये खबर सियासी गलियारों में आई, विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगे और उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यूपी में बीजेपी के मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी के विधायक आनंद भदौरिया ने ट्वीट कर सरकार को अल्पमत की सरकार घोषित कर दिया। आनंद भदौरिया ने लिखा कि विधानसभा कल तक के लिए स्थगित होने के बाद भी बीजेपी के 100 से ज्यादा विधायक सदन में अपनी ही सरकार में उपेक्षित होने के कारण बैठे। इस समय सदन में विपक्ष सहित 200 से ज्यादा विधायक सरकार की तानाशाही के खिलाफ यानी सरकार अल्पमत में। समय से पहले जनता को कुकर्मियों से निजात मिलने की उम्मीद। सियासी मोर्चे पर अपनी फजीहत होते देख बीजेपी भी तुरंत एक्शन में आ गई और अपने बागी विधायकों को मनाने के लिए ऑपरेशन में जुट गई। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष, संगठन प्रभारी और दूसरे बड़े नेताओं समेत उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा खुद विधायकों को मनाने के लिए विधानसभा पहुंच गए और किसी तरह इस धरने को खत्म कराया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के 100 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर क्यों बैठे थे? तो बता दें, गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर इस धरने के मास्टरमाइंड थे। उनकी नाराजगी की वजह से सदन में बीजेपी के लिए ये असहज करने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल विधायक जी किसी मुद्दे को लेकर सदन में बोलना चाहते थे, लेकिन स्पीकर महोदय ने उन्हें इजाजत नहीं दी। इसी को लेकर विधायक जी बिफर पड़े। विधायक जी का आरोप था कि गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें सदन में मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया, इसलिए वो धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते बीजेपी के लगभग 100 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल गया। कमाल की बात तो ये है कि इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टी बीजेपी का साथ देने लगी और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के साथ उतर आई और विपक्ष के लगभग 100 विधायक इस धरने में शामिल हो गए। विधायकों ने सदन में एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। विधायक जी, बात एकदम सही थी। सदन तो बोलने के लिए होता है और मुद्दे उठाने के लिए, तो स्पीकर इससे मना कैसे कर सकता है? लेकिन लोनी विधायक ने इसके खिलाफ आवाज उठाकर अपनी ही पार्टी से बैठ जरूर मोल ले लिया है। अभी विधायकों ने भले ही धरना खत्म कर दिया है, लेकिन शर्तों के आधार पर विधायकों की मांग है कि गाजियाबाद के SSP सुधीर सिंह को सदन में बुलाकर दंडित किया जाए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये विधायक फिर से हंगामा करेंगे। दरअसल बीते बुधवार को लोनी में तैनात फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में विधायक नंद किशोर फूड इंस्पेक्टर को अपने कार्यालय में बुलाकर मीट के होटलों के लाइसेंस न बनाने का दबाव डालते नजर आ रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पार्टी ने विधायक नंद किशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया था। पार्टी के मुताबिक नंद किशोर पर यह कार्रवाई उनके खिलाफ मिल रही शिकायतों और मीडिया में आए उनके बयानों के आधार पर की गई थी। इसके खिलाफ नंद किशोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के साथ साथ सदन में भी बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बता दें कि नंद किशोर का आरोप है कि जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन ने अधिकारियों से साठ गांठ कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस प्रदर्शन से साफ पता चलता है कि नंदू भैया पार्टी के खिलाफ बगावत के फुल मूड में हैं। देखना है कि ये बगावत किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।